where television stars reign supreme. एक अवार्ड इज एक सेटिस्फैक्शन भी होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि आपके काम को सराहा गया है। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो आपने पिछला काम किया जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिला उससे बेहतर आगे काम करें। आई थिंक इज मोर ऑफ अ मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उनके बिना इनकम्प्लीट हो जाएगा ना बिग बॉस की रीत, वो जो रीत होती है तो वो सर नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा वो शो, मुझे ये नहीं समझ आता। बिकॉज द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज गॉट, आई फील उस शो को कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है किसी किसी और किसी भी बड़े एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज उनकी जो पर्सनालिटी है वो आई थिंक थोड़ी दबंग है और लोगों को एक तरीके का उनसे डर भी लगता है और उनको उन पर प्यार भी आता है। तो वही उसी तरीके का इंसान चाहिए उस शो को संभालने के लिए। सो आई थिंक इज द परफेक्ट वन। लेकिन किसको देखना चाहेंगे इस बार आप बिग बॉस के घर में, किसको पसंद करना चाहेंगे इस बार? तो बहुत कंट्रोवर्सी है, किसको देखना चाहेंगे? यार मैं ऑनेस्टली कोई भी आए ऐसा कोई देखो टॉर्चर तो सबके लिए है। इट्स अ टॉर्चर हाउस पावर्ड बाय NNIS।